ये मेरा इंट्रोडक्शन है, नंबर तो मेरा आप सभी लोगों के पास होगा। आप किसी भी चैनल से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इंटरोगेशन इंटरव्यू एंड एलिजिबिलिटी ऑफ कन्फेशन। सबसे पहले इंटरव्यू, इंटरव्यू क्यों लिया जाता है? ये है इंटरव्यू विद विक्टिम और विटनेस। गवाह या मुतासरा शख्स के साथ हम इंटरव्यू कैसे लें, ये उसके लिए। इसका मकसद ये है कि ज्यादा से ज्यादा मालूम को हम कलेक्ट करें और हकीकत में जो वाकया हुआ उसके बारे में हम ज्यादा से ज्यादा जान सकें। इंटरव्यू के 5 स्टेजेस होते हैं, इंट्रोडक्शन, एस्टैब्लिशिंग रैपोर्ट, क्वेश्चनिंग, समरी एंड क्लोज। 5 स्टेजेस: इंट्रोडक्शन, एस्टैब्लिशिंग रैपोर्ट, क्वेश्चनिंग, क्वेश्चनिंग के बाद है समरी और समरी के बाद है क्लोज, जैसे क्लोजर भी बोलते हैं। पहला स्टेज इंट्रोडक्शन, आपने इंटरव्यू के लिए अपना इंट्रोडक्शन हमेशा जेन्युइन करवाना है। ये नहीं कि कोई रूप बदल के कोई दूसरा रूप ले ले, नो, आपने इंटरव्यू बिल्कुल जेन्युइन सही करना है। ये सॉरी इंट्रोडक्शन, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जब आप अपना इंट्रोडक्शन करोगे उसके बाद यू मस्ट नो टू होम यू आर टॉकिंग। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप किस से क्या बोल रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास रेप का केस है जिसमें आई विटनेस स्कूल का एक उस्ताद। अब होता क्या है, मैं उस स्कूल के उस्ताद से उसके शागिर्दों के सामने जाके पूछता हूँ कि मेरा नाम इंस्पेक्टर है तो समझ लो 2 दिन पहले जो रेप का वाकया हुआ उसके बारे में मेरा आपसे कुछ पूछताछ करें। उसके शागिर्द क्या सोचेंगे कि उस्ताद कैसा है, हमारा उस्ताद जी 2 नंबर है, आपने उसका नुकसान तो कर दिया। जब जाली दवाइयों का केस है जिसमें आपने एक डॉक्टर के इंटरव्यू कर, अब डॉक्टर की क्लिनिक मरीजों की कतार बैठी हुई, आप जाके डॉक्टर के असिस्टेंट से कहते हो कि वो जो जाली दवाइयों वाला केस था ना उसका इंटरव्यू करना है मैंने, और इस सिलसिले में मुझे डॉक्टर साहब से कुछ सवाल आ रहे। मरीज क्या सोचेंगे, डॉक्टर कैसा है, डॉक्टर दो। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपके मुंह से निकली हुई बात जो वो किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रही। सो यू मस्ट नो टू होप योर टॉकिंग। अच्छा, टेढ़े टेढ़े कहानी आपने नहीं सुनी, ऑलवेज स्टेज विद एक्चुअल स्टोरी। हकीकत में जो हुआ है बिल्कुल आपने उसी के साथ रहना है, हकीकी बात है। आप इंटरव्यू क्यों ले रहे हो इसकी वजह भी सामने वाले को पता होना जरूरी है। क्लियर? अब आपके लिए एस्टैब्लिशिंग रैपोर्ट। सर, आप मार्केट में एक आम लोग आता है, मार्केट में 2 दिन पहले मर्डर में एक वाकया हुआ है, मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, मैं आके आपसे कुछ पूछता हूँ। सबसे पहला काम मेरा क्या होगा, इंट्रोडक्शन। अच्छा, मेरा नाम इंस्पेक्टर रहमान है, 2 दिन पहले ही मार्केट में मर्डर हुआ था जिसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए आया था। सर, क्या बता सकते हैं कि मर्डर किसने किया? आप एक दुकानदार, आप क्या करोगे? मुझे नहीं पता, मैं तो कहा ही नहीं। इस किस्म के जवाब आएंगे कि नहीं आएंगे? मैं कल सारा दिन मेरी दुकान बंद रही थी, मैं तो नमाज के लिए गया था उस वक्त, मैंने कुछ ही नहीं किया। अब जब इस किस्म के मसाइल से हमारा सामना पड़ता है, हालांकि उसकी आंखों के सामने वो सारा कुछ हुआ हो, मुझे फिर से तौबा दीजिए। आप दोनों से राजा आप बोलो।
लोग हैं जिनके लिए ये क्लास नहीं है, तो प्लीज आप थोड़ा सा बर्दाश्त कर, सही है, मैं रिक्वेस्ट कर, आप इधर कर और आप इधर, आप लोग पुलिस इंस्पेक्टर, दो दिन पहले मार्केट में मर्डर हुआ, आप उसके इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं, आप वो शॉपकीपर, ये आपसे कुछ सवाल पूछे, सही है, जो रियल में जो शॉपकीपर का रवैया होता है, दुकानदार का रवैया होता है, बिल्कुल उसी रवैये से आप होता है, और एक और चीज आपका दिमाग होते हैं, सही, मेरी आवाज आपको सुनो सिर्फ, मैं आपको जो बोलूंगा आप अपने अल्फाज में इसको बोला, आप अपने इंट्रोडक्शन करो इसके साथ, बादशाह की दरबार में गया और बादशाह को एक बहुत
موسیقی بادشاہ کو موسیقی سنانے لگا بادشاہ کو موسیقی اچھی لگی تو بادشاہ نے کہا کہ جاؤ میں نے تمہیں کتنے تولے چاندی دی موسیقی خوش ہو اس نے اور بھی اچھا گانا شروع کرے بادشاہ نے کہا کہ اتنے تولے میں نے تمہیں سونا بھی دے دی تو موسیقی اور بھی خوش ہو گیا اس نے اور بھی اچھا گانا شروع کیا بادشاہ نے اسے ہیرے جائے رات بھی دی وہ اور بھی خوش ہو بادشاہ نے کہا کہ جاؤ میں نے تمہیں پانچ گاؤں بھی انعام دے دی وہ بندہ خوشی خوشی گھر رہا ہے اور اپنی بیوی کو کہا کہ مجھے اتنا ڈھیر سارا انعام ملا ہے بادشاہ سے ایک دن ہو گئے انعام کی رقم نہیں تھی دوسرے دن ہو گئے تیسرے دن جب پانچ دن گزر گئے تو موسیقار بادشاہ کی دربار میں تھا بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ نے جو انعامات مجھے دیے تھے وہ مجھے ملے نہیں بادشاہ نے کہا یہ لین دین کی بات کہاں سے آ گئی تم میرے کاموں کو خوش کر رہے تھے میں نے تمہارے کاموں کو خوش کر رہے تھے سمجھ میں آ گئی بات یہاں پر اسٹیبلشنگ ریپو میں ہم نے سامنے والے کے کاموں کو وہی سنانا ہے جو اسے اچھا لگے جو اسے پسند ہو سمجھ میں آ گئی بات چلے دوبارہ سے شروع کریں لیکن میرا نام انسپکٹر ہے زبان کے دو دن پہلے یہاں مارکیٹ میں 300 لوگوں کا ایک واقعہ ہوا اس سلسلے میں میں آپ سے کچھ سوالات کروں ویسے آپ کو میں نے پہلے بھی کہیں بتایا گیا ہے کہاں سے ہو سر آپ مان سے سیدھا کیا سر دس جگہ تاریخی جگہ ہے سر ابھی تو وہ جوڑے بھی بن گئے لیکن یہ ہے کہ آپ کالج کون سے کر رہے ہیں اچھا فلمیں دیکھتے ہو پہلے تو دیکھتے یار میں نہیں دیکھتا کیا خصوصی سی چیزیں اچھا ہابیز کیا ہے مجھے بھی پڑھنا اچھا ایک میں کسی اور کے ساتھ تو یہ بندہ رنگین نہیں مجھے رنگین کرنا چاہیے آپ سے دیکھیں میرا نام انسپیکٹر حیدر زمان ہے دو دن پہلے یہاں مارکیٹ میں 300 لوگوں کا ایک وقوع ہوا ہے جس کے تفتیش کے سلسلے میں میں آپ سے کچھ سوال کروں ویسے میں نے آپ کو کہیں دیکھا آپ کہاں کے ہو سوات یا سوات کیا خوبصورت جگہ ہے ٹھنڈی جگہ ہے اچھا کون سے کالج سے پڑھے جان زیب کالج میں میرا بانجا بھی پڑھ رہا ہے یار ابھی وہ کالج ٹھیک ہوا یا نہیں ہوا دیکھیں میں ڈے ٹو ڈے کوشچنس پہ آیا اس کوشچنس کا مطلب کیا ہے اس کے پیچھے جو شخص بول رہا ہے دور رہے سے یہ پولیس والا ہے میں اسے بھگا سمجھ میں آ گئی اچھا اچھا سر یہ بتا فلمیں دیکھتے ہو کون سی فیوریٹ ہیروئن کون سی وہ دیپیکا تو یہ ہو تو یار مجھے بھی پسند ہے یار کیا کمال کی ڈانسر ہے اب کیا ہوا پیچھے والا بندہ کدھر گیا اچھا ایک مجھے یہ بتاؤ پارٹی کون سی ہے سیاسی پارٹی مجھے بھی والا یہ سارے دھوکے باز ہیں مجھے بھی کسی پارٹی پر بھی اعتبار نہیں دیپیکا کی کوئی نئی فلم آنے والی ہے یعنی کہ بوڑھی ہو گئی یار آپ شادی ہو گئی یار یا یہ بے بو اچھا ویسے یہ بتاؤ دو دن پہلے یہاں پہ کچھ ہوا تھا کیا ہوا تھا دو دن پہلے یہاں پہ کیا ہوا تھا دو دن پہلے مرڈر ہوا تھا دیکھیں آپ نے ایک بہت بڑا سرکل ڈرا کر رہا ہے بہت بڑا اس سرکل کو کلوز یہ خود کرے گا دو دن پہلے یہاں پہ واقعہ ہوا میں نے ایک سرکل ڈرا کیا اس سرکل کو اس نے خود ہی توڑا کلوز کر دیا مرڈر ہوا صحیح اچھا سر اس مرڈر کے بارے میں آپ ہمیں کچھ بتا سکتے ہیں تھوڑا بہت بتا دو اچھا اچھا کچھ اور اس کی دشمنی تھی اچھا خاندانی دشمنی اچھا کتنے لوگ تین بندے اچھا ہو سکتا ہے میرے کوشچننگ سے یہ پھر سے سٹریس میں چلا جائے جس سائیکو ڈائنیمک کو میں نے بگا دیا تھا وہ واپس بھی آ سکتا ہے فار ایگزامپل وہ واپس آ گیا میں کہوں گا یار اچھا اس کوشچنس کو چھوڑو آپ کے بچے ہیں
कितने साल के? 16 साल के। यार कोई अच्छा सा ट्यूटर आपकी नज़र में है? यार मेरा बेटा है यार, पढ़ाई में बड़ा ही कमज़ोर है, ऐसा कोई ट्यूटर हो जो अच्छा पढ़ाता हो, मैं अपने बेटे के लिए रखना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा, यार किसी और को भेज देना, ये नहीं कि तो कर जाए। अच्छा इस तरह है, हम सुहात में ना अपने भाई के लिए लड़की भी ढूंढ रहे हैं ना, तो उन लोगों के बारे में भी आपने हमें बताना, ऐसा ना हो कि हम किसी और तो ऐसे वैसे लोगों के हाथ में चढ़ जाए ना। अच्छा ये बताओ, ये तीन लोग किस चीज़ पे आए? मोटर कार गए। कौन सी? सुर्ख रंग की थी। देखें मैंने पहला क्वेश्चन क्या किया था, यहाँ पे एक वाकया हुआ बहुत बड़ा सा, उसको इन्होंने खुद ही छोटा कर दिया, मर्डर। लेकिन अभी ये बड़ा सर्कल है। अच्छा कितने लोग? तीन लोग। थोड़ा और भी क्लोज हो गया। किस चीज में आए थे? गाड़ी में आए। और भी थोड़ा क्लोज हो गया। मैं इस तरह में देखिए, आपने इंटरव्यू में जाने से पहले अपने साथ सवाल लिखने के, इन सवाल के आंसर मैंने क्या करने हैं? फाइंड आउट करने हैं। अच्छा एक एक करके मैं इनसे अपने सारे सवालों के जवाब ले लेता हूँ, फिर क्या होगा? इसका निश्चित रैपोर्ट का मतलब है कि इट कैन बी डन इन मेनी वेज, हजारों तरीकों से यह हो सकता है। आपने इसे शुरू करना है रोजमर्रा के मामूली सवालों से, महंगाई है महंगाई नहीं है, गर्मी है गर्मी नहीं है, सड़कें बन रही है नहीं बन रही, पेट्रोल की कीमतें ऊपर जा रही है नीचे जा रही, रोजमर्रा के सवाल आते हैं। अच्छा इसका मकसद यह होता है कि आप अपने सामने वाले बंदे को रिलैक्स करना है, समझ में आ गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन फेज। पहला क्वेश्चन बिगिन विद अ जनरल क्वेश्चन, देन नैरो द क्वेश्चन फॉर स्पेसिफिक क्वेश्चन यू नीड टू आंसर फॉर। पहला क्वेश्चन उम्मीद तौर पे जनरल और बड़ा होगा, उसके बाद जो सवाल आप पूछोगे वो स्पेसिफिक होंगे, खास उस वाक्य से रिलेटेड होंगे। डू नॉट यूज योर रेपो बाय योर सब्जेक्ट, ऑलवेज ट्राई टू मेक योर रेपो पब्लिक। आपने जो रेपो बिल्डअप किया उसको आपने कभी कॉनी नहीं किया, समझ में आ गई बात? लेकिन अगर आपसे रेपो खो गई तो आपने सवालात उधर ही रोकने हैं, और इसके साथ रेपो फिर से क्या करनी है? बिल्डअप करनी है। बस समरी, इंटरव्यू के लिए आप कभी भी अकेले नहीं जाओगे। आप कितने बंदे जाओगे? एक सवाल करेगा, रेपो बिल्डअप करेगा, प्रश्निंग करेगा, आपके साथ वाला जो बंदा होगा वो लिखेगा। अब आपकी बोलने की बारी खत्म, आपके साथ जो दूसरा बंदा है वो उसको बताएगा कि देखो भाई आपने हमें ये भी बताया ये भी बताया ये भी बताया ये सारी चीज़ें आपने हमें बता दी। अच्छा ये ज़रूरी क्यों है? एक्चुअल में जो हुआ है उसकी कन्फर्मेशन हो जाएगी, लेकिन अगर बीच में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ में मिस हो गई तो वो क्या हो जाएगी? वो उसमें ऐड हो जाएगी। क्लियर? तीसरी आखिरी चीज क्लोज, हवा के जाने का वक्त हो गया। क्या हुआ? जाने का वक्त। अब आपके पास जाने के दो तरीके हैं, आप बंद दरवाजों के साथ भी जा सकते हो और आप खोले दरवाजों के साथ भी जा सकते हो, क्योंकि मैंने तो इससे अपना मकसद पूरा कर लिया, मुझे जिन सवालों के जवाब चाहिए थे वो तो उसने मुझे दे दिए, अब मुझे इसकी क्या जरूरत है? और मैं कहूँगा यार जाओ खिलाफ से चला जाओ, ये बात मैं सोचता रहा कि यार लाख तेरा सर दो का, ये एक खुले दरवाजों के साथ बंद दरवाजों के साथ जाए, लेकिन खुले दरवाजों के साथ किस तरह चलते मैं रोक नहीं करता। सर आप मेरे दोस्त, हम दोनों फोन पे बात कर रहे हैं, आपने मुझे फ़ोन करके मुझसे कुछ पैसे कर सुना, क्लियर? चले मुझे फ़ोन करें।